हमारे गैस टाइम राइट नाउ इज यहाँ पे कितना हो गया है 6:45 AM एंड इंडिया में क्लोज टू 8:20 AM। अभी खाली रिच को जाके स्कूल में छोड़ के विल बी गोइंग टू द न्यू ऑफिस। आज थर्सडे का जो है अपना एक्सपायरी ट्रेडिंग इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द न्यू ऑफिस। अपना दो ऑफिस पूरा परफेक्ट सेट हो गया, एक तो अपना ये वाला ऑफिस फुल सेट और एक तापस वाले घर में, वहाँ पे भी पूरा सेट कर दिया गया। आज वहाँ पे होगा क्योंकि कल पूजा हुआ है, तो आज फर्स्ट डे देखते हैं, उद्घाटन करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज, प्रॉफिट होता है या लॉस है, कुछ भी होता है आज वहाँ जाके मालूम पड़ेगा। एंड सिंस इट्स थर्सडे, आज होल डे बैठ के चार्ट ही देखना पड़ेगा। एंड मेरा प्रॉपर सेटअप जो है कैसे चार्ट्स रहता है वैसे पूरा मैं आपको दिखा दूंगा। एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो अबाउट हाउ माई ट्रेडिंग व्यू इज एग्जैक्टली सेटअप, बट उसके लिए प्रीमियम वाला अकाउंट चाहिए, नहीं तो इतना सारा फीचर सब डाल नहीं सकते। उसके मैं नीचे में लिंक डाल दूंगा इन केस इफ एनीवन इज लुकिंग टू एग्जैक्टली कॉपी माय सेटिंग्स, नीचे से आप जाके कॉपी भी कर सकते हो। एनीवेज अभी सीधा जाके आज का सुबह का एनालिसिस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ऑडिटोकर चैनल का वीडियो भी ऑलरेडी एडिटेड, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आज जैसे ही अपना मार्केट्स खत्म हो उसके बाद वी हैव टू गो फॉर द क्रिप्टो इवेंट। कल हम जा नहीं पाए, कल घर वाला काम में टाइम चले गया, सो आज परफेक्टली जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज अपना उसका एंड है, आज के बाद वो नहीं होगा, तो आज कैसे भी जाके वो खत्म करना है। पहले वी हैव टू सी हाउ द मार्केट गोज टुडे। अभी के लिए तो फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग वन पोजीशन, में बहुत दिनों के बाद एक ओवरनाइट वाला पोजीशन लिया हूँ, वो भी मतलब स्ट्रैंगल ही है, दूर दूर का पोजीशन है, पी एंड सी को मैंने शॉर्ट मतलब सेल करके मैंने बैठा हुआ है, तो देखते हैं खुलने के बाद क्या होता है। अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या पोजीशन वो चालू है। तो भाई लोग अभी यही वाला पोजीशन मेरा खुला है, आप देख सकते हो, तो मार्केट बंद हुआ है 39,110 एंड यहाँ पे मेरा जो स्ट्रैंगल खुला है वन इज 38,300। पी को मैंने सेल करके बैठा हुआ है एंड सी को मैंने सेल करके बैठा हुआ है, तो 10-10 लॉट्स टोटल इतना पोजीशन के लिए टोटल यूज हुआ है, क्लोज टू 15 लाख रुपए लगा है ये वाला पोजीशन खोलने के लिए। खोलने के बाद ये अगर मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी मतलब ओपन होने से वही 3-4 हज़ार ऐसा कुछ है, ये तो बस एक्सपेरिमेंट था, बट देखते हैं जो भी होगा। पर आइडिया इज मैं उसको मे बी 916 में ही मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को मेरा एल्गो भी चलने वाला है। सो अभी अपना SGX निफ्टी यहाँ कहीं है, तो SGX निफ्टी इज होवरिंग समवेयर अराउंड हियर, सो यहाँ पे अपना मार्केट उस दिन क्लोज हुआ था। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि वो नीचे थोड़ा आ जाए, बट ये नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसा रैली देके ऊपर गया, जस्ट खाली अपना यहाँ पे और हायर हाई नहीं बनाना चाहिए, नहीं ये ऊपर भाग जाएगा। सो अभी के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अपना मार्केट्स में भी वही खुलना चाहिए ऐसे कैसे, मतलब 17,274 में खत्म हुआ है, मे बी इट्स गोइंग टू ओपन समवेयर क्लोज टू 17,450 या 420 के पास खुलेगा। बट एनीवेज लेट्स सी, अपना ये वाला पोजीशन होपफुली इट्स सेफ होगा, 916 में इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। यू आर व्हाट यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हिच गेम इज दिस, व्हिच वन, व्हीलपूल 3D, ओके, शैल आई स्विच ऑफ द आईपैड, एंड डू यू वांट टू गो टू स्कूल, इट्स स्कूल टाइम, इट्स स्कूल टाइम और विच टाइम, होम टाइम, या लेट्स गो, चलो लेट्स गो टू स्कूल। सो आज का प्लान तो वही है, अपने को आफ्टर द ट्रेडिंग विंडो वी हैव टू गो फॉर द क्रिप्टो वाला इवेंट, उसके बाद जाके वी हैव टू डू सम क्रिप्टो कैश आउट एज वेल, अगर बोलते उसका ब्लॉग भी डाल देंगे। उसके बाद कल का प्लान है, कल का लाइसेंसिंग वाला ऑफिस जाना है, उसका सैटरडे संडे अपना स्टार्ट हो जाएगा कार हंटिंग, एक और एक नया वाला कार चाहिए तापस के लिए। सो अभी कौन सा कार लेना है वो देखना है, उनके बिल्डिंग में ईवी वाला चार्जिंग का अच्छा वाला मतलब सेटअप नहीं है, सो ऑफकोर्स वी कैन नॉट गो फॉर ईवी, सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर लुकिंग फॉर AMG और एल्स मे बी BMW M5 और M4 ऐसा कुछ देखेंगे। सो एक अपना इलेक्ट्रिक वाला रह गया पोर्शा, अपना टाइकन रहेगा वो पूरा सुपर स्पोर्ट्स हो गया, और एक अपन चाहिए जिसमें मतलब एग्जॉस्ट वाला मस्त नोट हो, एटलीस्ट वी आर नॉट गोइंग टू मिस इट, इलेक्ट्रिक अपना एक रहेगा और एक रहेगा अपना पूरा एग्जॉस्ट कान फोड़ने वाला एक रहेगा। सो अपन देख रहे हैं मे बी अपना AMG का जो E60, क्योंकि तापस बोल रहे हैं कि इस बार SUV नहीं लेके इस बार सेडान टाइप का कुछ लेते हैं, सो वी विल लुक फॉर द E63S AMG देखेंगे, नहीं तो C63S AMG, नहीं तो BMW का देखेंगे अपना M5 M4 तो बहुत ज़बरदस्त है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज उसमें चार जो डोर्स नहीं है, सो ओनली दो डोर है। सो अपन एक बार M5 जाके देखेंगे, M5 का डिलीवरी टाइम क्या होता है देखते हैं, M5 CS, इट जस्ट लुक सो गुड, होपफुली टेस्ट राइड मिल जाए, तो आज मेरे को BMW वालों को फ़ोन भी करना है, होता है तो एनीवेज वीडियो में तो आ ही जाएगा टेस्ट राइड ब्लॉग। इसमें देखो जैसे नेविगेशन मारते हैं कितने जगह वो नेविगेशन काम करता है, एक तो अपना ये मेन स्क्रीन में नेविगेशन दिखाता रहता है, उसके बाद ये अपना ये जो मेन स्क्रीन यहाँ पे नेविगेशन दिखाता रहता है, उसके बाद यहाँ भी दिखाता रहता है मैक्रो वाला, उसके बाद अपना HUD में भी दिखाता रहता है, HUD में भी नॉट एबल टू सी क्योंकि आगे में लाइट है, मे भी एक बार अगर हम इसको घुमाते हैं गाड़ी को मे भी आपको दिखेगा। सो नहीं, आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी, और किसी दिन मैं आपको दिखाता हूँ, बट जहाँ HUD इज सो गुड
आपको पूरा मतलब कॉकपिट वाला व्यू है, मैप मैप मैप, आप मतलब ऐसा वाला मैप यूज करो, यू आर नॉट गोइंग टू मिस द डेस्टिनेशन एट ऑल। सो भाई लोग फाइनल द गुड टाइम्स आर बैक टू दुबई वेदर, फाइनली अच्छा हो चुका है क्योंकि यहाँ का वेदर है आप जून से लेके एग्जैक्टली सितंबर का मतलब एंड तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये चार महीने आपको यहाँ से बाहर रहने का, इंडिया चले जाओ, यूरोप चले जाओ, यूएस चले जाओ, उसके बाद जाके उसके बाद सितंबर के एंड से फिर से यहाँ आ जाओ, यहाँ जबरदस्त वेदर, मतलब फाइनली इट्स बैक। जुलाई से लेके सितंबर तक तो आप सुबह में मॉर्निंग वॉक भी जाने से इतना खतरनाक वाला गर्मी रहता है, बट अभी इट्स सो गुड, अभी इट्स राइट नाउ क्लोज टू 7 AM ऑलरेडी एंड मस्त ठंड वाला पवन अभी भी मतलब लग रहा है। आई थिंक येस्टरडे टेम्परेचर इन द नाइट वाज समवेयर अराउंड 25 या 26, जो यूरोप यूएस में उनको तो लगता होगा 25-26 इज टू मच, बट यहाँ पे 25-26 जो रहता है बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉडरेट एंड पूरा मस्त काम। एक सेकेंड मेरा ये रेड वाला, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ आर प्लीजिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग, या या दैट्स गुड। After 3-4 months, we are getting this climate. Exactly, 3-4 months ही खाली मतलब आपको दुबई में ये थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, उसके बाद तो मतलब गुड टाइम्स आर बैक हो जाता है पूरा। अभी मैं जहाँ भी जब भी आता हूँ ये रेडी हो जाता है। सो अभी टाइम इज 7:10, अभी खाली रिच को स्कूल में छोड़ेंगे, इंडियन टाइम इज अराउंड 8:40 AM, 9 AM तक मेरे को पहुँचना है, उसके बाद जाके अपना प्री मार्केट देखेंगे, अपना पोजिशन को फिर जाके स्क्वायर ऑफ करेंगे, मैं पहुँच के आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। इट्स स्कूल टाइम, yes, go go go, bye bye, Veera, are you feeling sleepy or what? No. Okay, go and study, it's school time, chalo bahar aao, bye bye, chal go 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 go, jao jao jao, are gaadi tum pe rohi ho, tum mein kya roho jo gaadi pe, iska school ka time ho chuka hai, ye bhi jayega school, apan chalenge abhi ghar, go 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 go। ये लोग का स्कूल देख के मेरे को अपना स्कूल का टाइम याद आ जाता है, हम लोग भी ऐसे स्कूल आते थे फिर जाते थे, स्कूल आते थे जाते थे हर दिन। चलो गॉन, यहाँ से वो चल चल के पूरा अंदर चले जाएगा अभी। सो इंडियन टाइम इज 9:15 बाकी है, स्क्रीन रेडी, यहाँ भी स्क्रीन रेडी, यहाँ पे मेरा जो चार सीट्स रेडी होके है, दिस इज द निफ्टी बैंक 1 मिनट, निफ्टी इंडेक्स 1 मिनट, निफ्टी बैंक 15 मिनट्स, निफ्टी बैंक 5 मिनट्स, ये अपना जीरो था का पैनल, ये फायर्स आज पहली बार फायर्स ट्राई किया जाएगा कैसे क्या काम कर रहा है, एंड ये जो दो पोजिशन है इसको खुलते ही मेरे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। iPad is ready for the office messages and यहाँ से अपन email reply करते जाएंगे, यहाँ पे positions को monitor करेंगे, यहाँ पे chart को monitor करेंगे, and the best thing is MacBook, अगर आप इतना बड़ा screen के साथ connect करते हो, मतलब if any screen you are connecting to MacBook Pro, you don't need to connect the charger, इसका जो cable जो लगा हुआ है USB-C, इसी से automatically MacBook Pro charge भी हो जाता है, so आपको MacBook Pro में और charger लगाने का ज़रूरत नहीं है। so ये जो overnight वाला position है, वो exit वाला button के ऊपर just खाली मतलब रखा हुआ है, जैसे ही खुलेगा पटाक से एग्जिट, ये तो एग्जिट अभी मारने का टाइम आ गया है, एग्जिट मार दिया मैं, ऑल ऑर्डर्स इन द बास्केट्स हैज बीन सेंट, पेशेंस का टेस्ट हो चुका है, यहाँ से अभी EMS से जुड़ के अभी वो जा रहे हैं, अभी अपने को ऊपर चाहिए, पोजीशन ओपन आर 2020, ये मेरा -2 लाख से यार सी ट्रेन लाइन ऊपर खाली रही वायर अच्छी, ये एक बीट, ये कहाँ दिखा रहा है, हाँ अभी आएगा, अभी ये वाला एक BTST वाला ट्रेड था, वो 36 लाख में एग्जिट हुआ है, अभी और दो खाली, अपने को ग्रीन चाहिए तो फिर ये 50 हो जाएगा आज का, उसके बाद जाके डिटेल्स में वीडियो होने, चल 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 चल, पेलो पेलो पेलो, अभी पेल दियो हाई ऊपर को 356 हाँ, ता ऊपर खाली क्लोज कर दे, ओपनिंग रहा आज, ओपनिंग ऊपर क्लोज कर दे। सो अभी ये तो पोजीशन एग्जिट हो चुका है, यहाँ पे हम लोग वेट किए थे ये वाला खाली ऊपर जाने के लिए, मैं यहाँ आया -2,11,000 से, मैं आ चुका हूँ +1.5 लाख, एंड ये अपना फायर्स वाला अकाउंट भी चालू है, वो टेस्टिंग चल रहा है ओनली 250 पोजीशंस में, आई हैव ऑलरेडी एग्जिटेड माय पोजीशंस, तुम्हार कोड गला एग्जिट गोटे 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 करी मारा चलते, टोटल हो चुका है MTM इज 46 लाख, तीनों ग्रीन चालू है, मेरा ओनली एक ही रेड चालू है, नहीं तो और सब कुछ ग्रीन ही है, 1200 हो गया एग्जिट,
तळकु आसु रिट्रेसमेंट नेले नव जीव चलो 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 आज M5 CS किनियो जीव तो भाई लोग आज अपना ये नया वाला ऑफिस है डे वन है कल ही पूजा हुआ था आज डे वन में ही हो गया इसका ओपनिंग MTM चालू है कितने चल रही MTM 46 लाख उनका MTM चालू है माई MTM इज मैंने आज 3 प्लेटफॉर्म में ट्राई किया जीरोदा छोटा वाला जो वाइफ का अकाउंट उसमें ट्राई किया उसमें एक -6000 है मेरे वाले पे चल रहा है 1.51 और एक फायर्स वाला भी अच्छा वाला टेस्ट हो गया उसका आज पूरा कैसे वो दिखा रहा है खाली उसमें एक ही चीज़ देखना है कि स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे डिफाइन करें अगर वो डिफाइन हो जाएगा वो बहुत अच्छा क्योंकि एटलीस्ट उसमें चार्ट में पूरा मालूम पड़ रहा है कि आपको स्टॉप लॉस वाला जोन कहाँ रहना चाहिए वो एक अच्छा है चार्ट के ऊपर ही एक्जैक्टली काम करें एक्चुअली सारे ब्रोकर्स को ट्रेडिंग व्यू के लिए प्लगइन दे देना चाहिए वो देते ही नहीं है सो अभी का सिचुएशन है नो ट्रेड्स आर ओपन कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है अभी हम लोग वेट किए हैं या तो ये ऊपर से यहाँ जाके लगेगा तो यहाँ एक पी का पोजीशन बनेगा नहीं तो यहाँ से अगर ये आके EMA के पास जुड़ता है तो यहाँ से फिर से और एक सी वाला पोजीशन को ले सकते हैं सो वी आर स्टिल वेटिंग मैं तो बोलता हूँ कि नीचे वाला एक लंबा वाला आना चाहिए यहाँ जुड़ना चाहिए फिर जाएगा अभी सीन इज देखो 39,200 पे वो एंडिंग था लास्ट पे यहाँ सेलर्स ने बहुत ट्राई किया 39,200 को लाने के लिए बट वो ले नहीं पाया सो आज का जो लो वहाँ तक लगा 39,240 विच इज स्टिल मच हायर देन द यस्टरडे क्लोजिंग सो क्लोजिंग से लास्ट डे का हाई से भी वो ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव ही रहना चाहिए ये खाली थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा जाएगा लेगा लेगा जाएगा ऊपर जाएगा तो अपने को बस थोड़ा नीचे अभी चाहिए तो अमेजोन का कुछ सामान आ गया है अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं जब तक अपना मार्केट थोड़ा रेड नहीं होता तब तक ये अमेजोन का पैकेट को अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या सामान आया हुआ है अपना ट्राईपॉड वीडियो के लिए ट्राईपॉड अपना स्ट्रिप लाइट भी आ गया फिलिप्स यू का इस बार अभी ये जो फिलिप्स यू का यू डोंट नीड द फिलिप्स वाला हब और नहीं चाहिए इसको सीधा फिलिप्स यू का ब्लूटूथ वाला ऐप से भी अपन कॉन्फिगर कर सकते हैं एंड ये तो भाई दुबई में बहुत चाहिए आपको जितना भी खरीद आपको कम हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बैक एंड अपना ये भी एक है अपना पावर सॉकेट सो 3 पावर सॉकेट आए हैं एक फिलिप्स यू एंड ट्राईपॉड दैट्स ऑल सो भाई लोग आज का अपना पोजीशन ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ हो चुका है सो मेरे पे यहाँ गया ये कितना गया 2 लाख फायर्स वाला गया कितना 15,000 ये भी अपना क्लोज हुआ है क्लोज टू वही 20,000 ऐसा कुछ सो फाइनली पकड़ लो वही 2.45 ऐसा कुछ एंड ये वाला मेन अभी चालू है मेन वाला अकाउंट रनिंग एट समवेयर अराउंड अभी 1,11,00,000 से वो नीचे है के फिर से वही 85-86 से होके 92 लाख फिर से 92 उसके बाद जाके अभी देखो अभी भी चालू है अभी खाली अपने को चाहिए यहाँ से ये हाई को जैसे ही तोड़ेगा ये 1 crore हो जाएगा हम इसको एग्जिट मार के निकलेंगे फिर BMW शोरूम टू टेक ए टेस्ट राइड ऑफ द BMW M5 CS का टेस्ट राइड लिया जाएगा उसी के लिए हम ओनली वेट किए कि जैसे ही वो राउंड फिगर होगा बंद करेंगे कंप्यूटर निकलेंगे राउंड फिगर अपने ओनली चाहिए प्रॉब्लम इज एग्जिट मारने भी निकल जाता है क्योंकि आप हाई क्वांटिटी एग्जिट भी नहीं मार सकते एक ही बार जैसे आप एग्जिट करोगे सुबह वो चल रहा था वो वैसे कुछ 45-46 लाख चलती ना ओपन कर लड़ू वो चल रहा था 45-46 लाख में चल रहा था एग्जिट मारते मारते 6-7 लाख ऐसे ही लॉस हो गया सो अभी 1 crore से ऊपर चलना पड़ेगा हमें एग्जिट मारते मारते 1 crore नीचे आने के लिए तो 1,05,10,000 ऐसा कुछ आएगा तो एग्जिट मारते मारते 1 crore होगा सो आप लाइव देख सकते हो कैसे ऊपर नीचे होता है यहाँ पे एग्जैक्टली दिखेगा अभी देखो वो धीरे धीरे ये जो धीरे धीरे मूवमेंट होता रहता है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ये 36,000 क्वांटिटी में चालू है एंड सोज 1,30,000 मतलब तो देखते जाओ अभी कैसे चलता रहता है ये 4 lakhs minus चल 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 उठी जा उठी जा उठी जा पहल दिया पहल दवा ठीक है सो अभी सिंस मतलब अभी ब्रोकर अपने को एक मतलब अलाउ नहीं करेगा 36,000 क्वांटिटी को एक ही बार क्लियर मतलब एग्जिट करने के लिए सो हम अभी उसको मोबाइल में भी लॉग इन किए हुए कंप्यूटर में भी लॉग इन होके अभी देख सकते हो फाइनल MTM इज रनिंग एट समवेयर अराउंड 95-96 lakhs तो यहाँ पे लाइट थोड़ा हो गया सो कहाँ गया यस सो दिस इज द फाइनल वाला अपना अबे यार 4-5 यस सो फाइनल वाला MTM यहाँ चल रहा है तो मेरे को यहाँ से कंप्यूटर से एग्जिट मारना है उसके बाद यहाँ से अपना फ़ोन से भी एग्जिट मारना है सो कीप ऑन लुकिंग हियर यहाँ जैसे ही वो पॉजिटिव जाएगा अपन सीधा इसको एग्जिट मारेंगे फ़ोन से एग्जिट मारेंगे 1200 यहाँ से भी कंप्यूटर से 1200 क्योंकि 36,000 क्वांटिटी है मतलब मिनिमम 20 टाइम्स एग्जिट मारना पड़ेगा जब तक एग्जिट मारेगा स्लिपेज में आधा पैसा निकल जाएगा
सो अभी फिर से लाइक डालता हूँ। चलो अब अभी देखते जाओ कहाँ तक ये जाता है। सो MTM shows 91 lakhs, PNL को छोड़ दो क्योंकि वो तो अभी ओपन वाला पोजीशन है, वो जैसे ही ऊपर जाएगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। Let's see, चलो 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 रे चलो। ये VWAPS से जुड़ जुड़ के जा रहा था, उसलिए और थोड़ा क्वांटिटी अभी ऐड कर दिया गया है। 42,000 से क्वांटिटी ऐड होके गया है 44,400। इतना नीचे था कि इतना कम में मिला तो और थोड़ा एवरेज किया गया है। सो अभी तो जाना चाहिए क्योंकि पूरा कैंडल के लिए एक छोटा सा सपोर्ट भी दे दिया गया है कैंडल के लिए और 10,000 क्वांटिटी ऐड करके। सो इट्स स्टिल रनिंग एट 88-89। अभी तो इसको 1.11 के ऊपर जाने पे ही अपने को एग्जिट मारा क्योंकि 10,000 क्वांटिटी और एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। सो चल रहे हैं अभी फिर से 83 और नीचे नहीं आना चाहिए भाई, ऊपर चल तू अभी ऊपर 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 चल चल चल। सो नाउ क्वांटिटीज 44,400 क्वांटिटीज चालू है अभी, बस खाली वो बैग ये खाली पॉजिटिव हो जाएगा तो अपना काम फिनिश है। सो डे एंड हो चुका है, खतरनाक वाला पेशेंस टेस्ट हो चुका है अभी, और एनर्जी नहीं इसके बारे में बात करने के लिए। अभी अपने को जाना है वो क्रिप्टो वाले इवेंट, वहाँ से फिर जाएंगे हम थोड़ा कैश आउट करने क्रिप्टो को भी, पहले तो खाना पड़ेगा अभी। मतलब इंटरनेट फास्टिंग हो गई, क्लोज टू 20 आवर्स हो चुका है। लेट्स ड्राइव। सो भाई लोग टाइम रेट है 5 PM एंड एज डिस्कस्ड हमने कहा था कि आज अपने को जाना है BMW शोरूम। सो ये अपना BMW एंड रोल्स रॉयस का शोरूम, चलो BMW प्रीमियम एंड ये अपना रोल्स रॉयस का शोरूम। दिस इज द BMW शोरूम, अभी जाके अपने को देखना है कि हाँ BMW रोल्स रॉयस एक संगे एटा प्री ओन एटा रोल्स रॉयस और BMW संगे रे एक डीलरशिप। तो अभी जाके अपने को देखना है, कह रहे BMW M5 CS उनके पास टेस्ट रेड में है कि नहीं, टेस्ट रेड में ही नहीं होगा मे बी, एंड कोई एक टाइकन रेड वाला का कलर अपना ही गाड़ी अभी लेके आ गया है। ये वाला व्हील मस्त है, GTS व्हील्स। चलो तो जाके देखते हैं, हाँ रेड कलर का GTS। एंट्री में एंट्रेंस सामने वाला है, ये कलर बहुत खतरनाक है। तो M5 CS का पूछना है कि टेस्ट राइड में है या नहीं, अगर नहीं रहेगा फिर तो अलग वाला शोरूम में देखना पड़ेगा, बट एक्चुअली यही एक ही शोरूम है, उनका 2 ब्रांचेस है बट यही है शोरूम। बाकी कलर जबरदस्त हुआ है, M3 कॉम्पिटिशन एंड ये 4 डोर भी हमें एक्चुअली 4 डोर ही चाहिए, बट द ओनली थिंग इज भाई इसमें बहुत पीछे जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, अंदर में पूरा कार्बन पैक एडिशन एंड दिस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द टाइकन प्राइस ग्रीन में। ये वाला कलर वर्क ये देखो M4 कॉम्पिटिशन, ओनली डिफरेंस इज M4 कॉम्पिटिशन में 2 डोर है, इसमें 4 डोर है, बट ये कलर भाई जबरदस्त क्रेजी कलर, मतलब ये कलर और वो कलर बैक टू बैक गैराज में रहेगा तो काम है। और ये देखो येलो M5, but this is not the CS, M5. So ये हो गया अपना M5, but the price is too high. अगर इतना पैसा देना है तब तो G-Wagon नहीं ले ले, इसको क्यों ले? ऐसे में ये टैक्सी की तरह वैसे दिखेगा वैसे। चलो, चलो। BMW का चक्कर हो चुका है, अभी Mercedes एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मॉडल्स है। अगर टाइम होता है तो G-Wagon का टेस्ट राइड भी ले लें।